फ्रेंड्स, ये ही वही बालकनी है, ये बरांडा है जो कि अपोजिट साइड से हमने आपको दिखाया। फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को एक टनल दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं गेट, ये एक्चुअली आगरा फोर्ट से ताजमहल तक जाने का टनल है। ये अभी बंद हो चुका है। पहले शाहजहां के डेथ के बाद इसी रास्ते से शाहजहां की बॉडी को ताजमहल तक ले जाया गया था। अभी ये बंद है। जहाँ से हम आए हैं मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पे शाहजहाँ को बंदी बनाया था, वहाँ से सीढ़ी से होकर के आके ये सामने जो एक मस्जिद बना हुआ है, यहाँ पे शाहजहाँ आते थे हर रोज़ 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। इसका नाम है मीना मस्जिद। देखिए, समस्या ये है, कुछ स्टेप्स बनी हुई हैं, दोस्तों ये है दीवाने खास। यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था, मतलब नवाबों के खास लोगों के साथ। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एक सीट दिख रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे जहांगीर बैठा करते थे। और इस साइड में एक वाइट सीट है, यहाँ पे उनका खास मिनिस्टर जो हुआ करता वो लोग बैठते थे। और इस पर्टिकुलर एरिया में बाकी वीआईपीज बैठते थे, तो यहाँ पे मीटिंग होता था। ये है दीवाने खास। यहाँ पे एक बात है, देखिए ब्रिटिशर्स के बाद में यहाँ पे गोला दागा था, उसी गोला आके गिरा था यहाँ पे इस सीट के ऊपर। इस वजह से ये सिंगल पीस में था, लेकिन उस टाइम ये क्रैक हो चुका था। ये गोला इस पर्टिकुलर जगह से बाउंस हो करके इस होल में टकराया था, मतलब होल नहीं था, वो गोला टकराने से ये होल बन गया था। देख पा रहे हैं ये होल, यहाँ से भी ताजमहल बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। ये पूरा फोर्ट के किसी भी हिस्से में से, किसी भी जगह से ताजमहल बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जगह देख लीजिए एक बार चारों तरफ से। नीचे जो दरवाजा दिख रहा है जाली वाला, नीचे ये अकबर के टाइम पे ट्रेजरी हुआ करता था, खजाना रखने का जगह। और ये मीना बाजार था। ये जो नीचे दरवाजा देख रहे हैं, सारा ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बाजार लगता था खाली फ्राइडे का दिन। और यहाँ जो कोर्ट के अंदर जो लोग रहते थे, खाली लेडीज लोग आ सकते थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और ये सामने जो दरवाज़ा बड़ा देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं छोटा, ये इस दरवाजे से, ये बड़ा वाला दरवाज़ा, इसी से अंदर आ करके यहाँ पे शॉपिंग कर करके फिर वापस जाते थे। ये शॉपिंग खाली वही कर सकते थे जो इस कोर्ट के अंदर रहते थे, वो बाहर से, मतलब कोर्ट के बाहर से कहीं नहीं आ सकते। ये मीना बाजार हुआ करता था। अच्छा, और शाहजहां के टाइम पे यहाँ पे एक, ये जो घास का मैदान दिख रहा है, यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था जिसे मच्छी रखा होता था। और यहाँ शाहजहां और मुमताज़, कहा जाता है, मछली पकड़ने का, स्टिक से मछली पकड़ने का कंपटीशन करते थे इधर ऊपर बैठ के। तो ब्रिटिश पीरियड में इस तालाब को बंद कर दिया गया और इसको अभी थोड़ा घास लगा के इसको गार्डन जैसा बना दिया गया है। कोर्ट के हर एक कोना, हर एक जगह का एक अलग इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो होल बना हुआ है, ये चारों तरफ ऐसे बना हुआ है हर जगह पे। ये मसाल लगाने के लिए स्टैंड है एक्चुअली। यहाँ इसी होल पे मसाल लगाया जाता था लाइट के लिए, ये इस एरिया में। और यहाँ जितना डोर दिख रहा है, ये सारे रूम्स दिख रहे हैं, ये दस्तावेज रखने का जगह हुआ करता था उस टाइम। इनका जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था, वो रखने का जगह था ये। इसी फ्लोर में ये जो दरवाजा दिख रहा है, ये सारा ऑफिस। ये सामने जो दरवाजा है, एक्चुअली ये एक मस्जिद है जाने का रास्ता। ये लेडीजों के लिए मस्जिद बनाया गया था, शाहजहां ने बनाए थे। इसका नाम है नगीना मस्जिद। फ्रेंड्स, ये है दीवाने आम, पब्लिक के लिए
ये जगह था, पब्लिक के दरबार लगता था यहाँ पे। ये देखिए, ये आगरा का सबसे बड़ा एक हॉल है। देखिए, मैं बिल्कुल दीवाने आम के बिल्कुल जहाँ पे सम्राट बैठते थे उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। यहाँ से एक खास चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ खड़ा होकर के आप देख सकते हैं कि कोई भी पिलर, एक पिलर दूसरे पिलर को कोई गार्ड नहीं कर रहा है। सारा पिलर यहाँ से दिख जाता है बिल्कुल साफ। सारा पिलर 64 पिलर यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। किसी पिलर से कोई पिलर गार्ड नहीं होता है। ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी है उस टाइम का। देखिए कितना सोच से बनाया गया था ये, और सारा डिज़ाइन भी दिख जाता है यहाँ से। जो आर्च वगैरह है सारा क्लियर दिखता है यहाँ से। ये पिलर का डिज़ाइन ऐसे बनाया इसलिए गया था ताकि कोई भी कहीं पे खड़ा हो और खड़ा होकर कुछ भी बोले सम्राट की तरफ, या यहाँ के जो खास लोग मंत्री हुआ करते उनकी तरफ, तो उनको वो बंदा सीधा दिखाई दे। इसीलिए इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया था। ये है दीवाने आम। फ्रेंड्स, ये दीवाने आम के बाहर इस लेफ्ट राइट साइड में जो मस्जिद दिख रहा है, ये इसका नाम है मोती मस्जिद। जो कि मोती मस्जिद एक रेड फोर्ट दिल्ली में भी है। वो था औरंगजेब का पर्सनल नमाज के लिए, लेकिन ये आम लोगों के लिए हुआ करता था मोती मस्जिद। और ये बनाया था शाहजहां ने। दोस्तों, ये है समाधि एक ब्रिटिश ऑफिसर का, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे। इनका नाम था जॉन रसल कॉलविंस। इनका डेथ हुआ था 1857 में। तब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, इसी वजह से इसी इतना सुंदर जो दीवाने आम है इसके सामने बीच पे ये बना दिया अजीब सा एक ग्रेब। कोई ज़रूरत नहीं था, कोई तुक नहीं बनता है इसको बनाने का, लेकिन ज़बरदस्ती ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, बस बना दिया मोटा बुद्धि। बिल्कुल इसको बैलेंस करने के लिए उस साइड में एक तोप को रख दिया गया, ऐसा ही बैरियर बना के, ताकि थोड़ा सा बैलेंस बन सके। तो सामने जो ये रैंप दिख रहा है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हुआ करता था बिफोर कोविड। कोविड के बाद से, जब से कोविड हुआ है तब से ये लाइट एंड साउंड शो बंद है। तो ये हम दीवाने आम से अभी हम जा रहे हैं कोर्ट के बाहर की तरफ। दोस्तों, हम ये जहांगीर महल सामने दिख रहा है, इधर से अंदर गेट से, और इस गेट से हम अभी बाहर आए। ये अगेन वही स्लैंटिंग रोड है, इसका हिस्ट्री आपको बताया था। ये देखिए, ये नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये जो बनाया है, इधर से तेल गिराते थे, तेल, गरम तेल, ताकि ये जगह सारा ऑयली हो जाए फ्लोर। और ये स्लैंटिंग होने के कारण नीचे से कोई भाग के या घोड़े से आ नहीं सकता है, क्योंकि फिसल के गिर जाएंगे। और ये ऊपर से यहाँ से पत्थर गिराया जाता था, तो पत्थर रोल होकर के नीचे तरफ एकदम से स्पीड पकड़ के नीचे जाता था। तो नीचे से कोई भी आए उनका मरना बिल्कुल पक्का था। वैसे तो मुगल ज़माने में यहाँ पे कोई भी अटैक हुआ नहीं है, लेकिन सेफ्टी के कारण, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कारण ये सब अरेंजमेंट पहले से ही किया गया था। इस फोर्ट को बाहर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने के लिए, बाहर से कनेक्टिविटी इसका बंद करने के लिए, देखिए अरेंजमेंट देखिए, ये जो है ये चेन लगा हुआ दिख रहा है, ये रोलर है, ये इसी के थ्रू इस गेट को बंद किया जाता था पहले ज़माने में। ये देखिए, ये जो ब्रिज है इसको ब्रिटिश पीरियड में तो छोटा कर दिया गया है बिल्कुल, लेकिन पहले इसका जो मेन हुक था वो देखिए बना हुआ है स्टोन का ये नीचे, और यहाँ पे तो पानी हुआ करता था। और ये 35 फीट लंबा वुडन ब्रिज होता था, जो कि चेन के थ्रू बांधा होता था। तो कोई बाहर से अगर अटैक हो, अगर पता चल जाए पहले से, तो इस ब्रिज को उठा दिया जाता था, और नीचे पानी होने के कारण कोई इसके अंदर आ नहीं सकते थे। ये है मेन दरवाज़ा
और ये ब्रिज को अगर उठा दिया तो इसका कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद, कोई भी अंदर नहीं जा सकते थे। इसी के अंदर पानी हुआ करता था जिसमें मगरमच्छ होते थे, क्रोकोडाइल, ताकि कोई अगर पानी में गिरे तो और बच ना सके। फोर्ट के चारों तरफ ऐसे परीखा बोलते हैं इसे, इसमें पानी होता था और पानी में मगरमच्छ। ये सब सिक्योरिटी सिस्टम है ताकि फोर्ट में कोई बाहर से अटैक ना कर सके। आगरा फोर्ट आप लोगों को जितना हो सका दिखाया डिटेल्स। 50 रुपीज़ का टिकट है, गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड ले सकते हैं, थोड़ा बार्गेन करके लेना पड़ेगा। गाइड 400 रुपये में मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ क्राउड कितना है उसके ऊपर। तो आप आइए और मज़े में घूमिए, आगरा फोर्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि यही फोर्ट था सबसे पुराना फोर्ट, सबसे बड़ा फोर्ट। और लाल किला जो रेड फोर्ट, वो बाद में शाहजहाँ ने बनाया था कैपिटल को यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी दिन नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।